हेलो। आज देखिए, ट्रे गार्डनिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है और किसको पसंद नहीं आता, सभी को पसंद आता है। हमारे आसपास नेचर हो और जिसका हम जिसके पास बैठ के थोड़ी देर सुकून के सांस ले सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रे गार्डनिंग यदि हम करते हैं तो उसमें यदि नेचुरल फूड लगाते हैं देन ओके, वो तो हम टेरेस पर रख सकते हैं, अपने लॉन में रख सकते हैं। लेकिन मुझे अपने ड्राइंग रूम में इसी टाइप का एक मिनिएचर चाहिए था जो कि टेरेस का, उसका ट्रे गार्डनिंग का हमको लुक दे सके। तो मैं एक DIY करने जा रही हूँ जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर, मेरे पास ये पड़े हुए थे और कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे कलेक्ट किए हुए ये सब नदी के किनारे वगैरह से, और घर के ही सामान से मैं एक DIY बनाना चाह बनाने जा रही हूँ। देखिए यदि आपको अच्छा लगे तो। ये मैं ये दोनों प्लांट लिया मैंने और इसको यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करूँगी मैं इसमें, और कुछ साथ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं, बस एक घर के लिए एक प्लांट की ज़रूरत है जो आर्टिफिशियल हो, क्योंकि इसमें क्या है कि ना मुझे पानी की चिंता है और एक नेचुरल एटमॉस्फेरिक है, ऑक्सीजन नहीं देगा चलेगा बहुत। और सब तो प्लांट लगे हुए हैं, मनी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन मुझे ये ट्रे गार्डनिंग करनी थी और वो मेरे आसपास मेरे ड्राइंग रूम में रखनी थी, क्योंकि ड्राइंग रूम में रखते हैं तो हर 4 दिन के बाद बाहर रखो, ये पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता, कभी भूल जाते हैं तो यानी वो प्लांट मर जाते हैं। तो उसका उपाय मैंने ये सोचा कि चलो एक रख लेते हैं ऐसे भी। वैसे मैं ट्रे गार्डन अपना दिखाऊंगी, बहुत सारे मेरे पास भी पड़े हैं, लेकिन ये जो DIY है इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ स्टोन पेबल्स डाल रही हूँ। ये मैंने स्टोन डाल दिया और फिर मैंने इस पर ये बिछा दिया। मुझे एक जंगल का लुक देना है तो ये मैंने इसमें पेबल्स बिछा दिया। अब इसके लिए मुझे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि नेचर को दिखा सकें। देखिए ये क्या है, ये छोटे छोटे घास के पैचेज में लगा रही हूँ ये, ताकि ये इस लुक को इन्हेंस कर सके। जैसे आप जंगल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको पहाड़ों पे पत्थरों पे कहीं ना कहीं ये सब मिल ही जाता है, तो मुझे ये भी लगाना था ताकि ये फुल मुझे नेचुरल का वो लुक दे सके। अब मैं एक ये ऐसे ही पत्ती है वो लगा दूंगी, और ये यहाँ मैं बुद्धा बैठाऊंगी तो बुद्धा के पीछे ये लगा रहेगा। आपने सब कुछ आर्टिफिशियल क्यों लिया है? आर्टिफिशियल इसलिए लिया है कि मुझे उसके लिए बार बार मुझे बाहर रखना पड़ता है धूप में, और एक्चुअली नीचे हमारे यहाँ धूप आती नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर लेके जाने में थोड़ा सा दिक्कत था। तो वो तो गार्डन में पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रे गार्डन तो हमारे गार्डन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे इनको अपने पास रखने के लिए बार बार छत पे ले जाना और ले आना संभव नहीं था प्लांट को, और वैसे प्लांट मर जा रहे थे मेरे ट्रे गार्डन वाले। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने शौक को भी पूरा करूं और मैं वो भी कर लूं, तो इसलिए मैं नेचर को अपने करीब रखने के लिए मैंने ये काम किया। अब देखिए ये पानी नदी बनाया है, इसको मैंने वैसे भी बुद्धा जी के पास तो पानी में वो लोग कॉइन डाल के रखते ही रखते हैं, ये मैंने एक नदी का रूप दिया है। ये हम लोगों ने मॉनेस्ट्री में देखा था। हाँ मॉनेस्ट्री में देखा था। ये दिया है, इस पे एल्यूमिनियम कॉयल को लगा के मैंने ये पानी का रूप दिया है, और अब मैं यहाँ पे गाय को जो कि पानी पीने के लिए आ रही है वो है वो लगाने जा रही हूँ। और एक मैं लायन, हाँ ये देखिए ये लायन है, ये मैं ये शो करती हूँ कि देखिए महात्मा बुद्ध के शांति प्रियता के कारण ये भी अपनी वो भूल के, अपने हिंसक प्रवृत्ति को भूल के ये भी महात्मा बुद्ध के सानिध्य में रह के अपना वो भूल चुका है, और बड़े शांति से गाय जिराफ और अपने। अब ये हमारे स्टडी के समय हम लोग अपने आसपास रखेंगे तो वैसे भी बुद्धा को देख के तो कुल सभी का मन हो जाता है, शांत हो जाता है। तो टोटल मेरा ये ट्रे
ये स्टोन पेबल्स, ये दो तीन झाड़ियाँ, और ये मिलके ये महात्मा बुद्ध का स्टैचू, और इनके पीछे ये इनकी पत्ती, और ये मेरा ये छोटा सा ट्रे गार्डन जिसको मैं अपने पास अपने स्टडी टेबल पे कहिए या मैं कहीं भी रख के, इसमें कोई टेंशन नहीं कि मुझे पानी डालना है, टेंशन नहीं कि स्प्रे करना बहुत होता है, तो ये गीले कपड़े से मैं ये पत्तियों को पोंछ दूंगी और मेरे पास एक नेचर का लुक हो जाएगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बुद्धा जी। हाँ, इनको तो देखने से ही मन वो शांत हो जाता है। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी से तो कुछ तो शांति चीज मिले। और ये मेरा तैयार हो गया ये ट्रे गार्डन, जो टोटल आर्टिफिशियल है, इसमें कोई मुझे वो नहीं करना है, पानी वानी देने की टेंशन नहीं, और ना ही मुझे धूप दिखाना है, लेकिन हाँ बिल्कुल नेचर का रूप ये लग रहा है। भाई देखिए, ये मेरा ट्रे गार्डन तैयार हो गया, और देखिए अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने नया नया शुरू किया है, और यदि आप लोगों की गाइडेंस से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अकेले कुछ हो नहीं सकता, टोटल तो आप लोग ही करने वाले हो, तो मुझे कुछ आइडिया दो जहाँ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे बताओ आप, और मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का कि मुझे आप लोग से एडवाइस मिलेगा तो हो सकता है कि मैं आगे बढ़ सकूँ। और थैंक यू।